कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय निरुपम ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि देश के आर्थिक हालात श्रीलंका जैसे ही है, अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है, बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है और मोदी सरकार कांग्रेस नेताओं पर झूठे मामले दर्ज करने में लगी है। संजय निरुपम ने कहा कि मोदी सरकार के 8 साल केवल गोलपोस्ट बदलने और असफलताओं को छिपाने वाले ही रहे हैं। देश के पढ़े लिखे 22 करोड़ लोगों का सरकार से विश्वास उठ गया है। काबिलियत होने के बावजूद बेरोजगार नौकरी के आवेदन ही नहीं कर रहे हैं। 27 करोड़ लोगों का कोरोना के चलते पहले ही रोजगार छूट गया है। संजय निरुपम ने सरकार पर आरोप लगाया कि कांग्रेस की सक्रियता के डर के मारे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी के नोटिस भेजकर प्रताड़ित करने की कवायद शुरू कर दी है। निरुपम ने कहा कि भाजपा और मोदी सरकार को कांग्रेस ने राजस्थान चिंतन शिविर के एकदम बाद सरकार का ईडी के नोटिस देना साफ करता है कि सरकार कांग्रेस की सक्रियता से डरती है और इसी को देखते हुए कांग्रेस नेताओं को जांच एजेंसियों के जरिए परेशान करना शुरू कर दिया गया है। 2016 से जो शुरू हुआ डिमोनेटाइजेशन के बाद से, तब से लगातार हमारी अर्थव्यवस्थाएं हमारी अर्थव्यवस्था बहुत खराब हुई है। नए जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो नहीं आ रहे हैं, लोगों के रोजगार छीने जा रहे हैं। रोजगार के संदर्भ में एक आंकड़ा आपके सामने पेश करना चाहूंगा, 45 वर्षों में जितनी बेरोजगारी हिंदुस्तान में नहीं थी उतनी बेरोजगारी इस बार भी आई पिछले 1-2 साल। कहते हैं 22 करोड़ लोग, ये सरकारी आंकड़ा बता रहा है कि 22 करोड़ लोग ऐसे नौजवान है हमारे देश में जिन्होंने पिछले 2 वर्षों से नौकरी के लिए अप्लाई नहीं किया, मतलब उनको सरकार पर भरोसा नहीं रहा। उनका बेरोजगार कितनी अलग आंकड़ा है। कोरोना के दरमियान लगभग 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से पीछे चले गए। इसका एक ही कारण था मिसमैनेजमेंट ऑफ होल क्राइसिस बाई मोदी गवर्नमेंट, खासकर राहुल गांधी से उनको बहुत परेशानी है। बार बार बीजेपी की तरफ से आता है कि राहुल गांधी साहब को कोई खतरा नहीं, जब तक राहुल गांधी रहेंगे बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आप सिस्टमेटिकली देखिए 2013-14 से लेकर आज तक बीजेपी और मोदी सरकार का एक ही प्रोग्राम, कैसे राहुल गांधी को डैमेज किया, उनके हर बयान को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने पेश करना। आज तक एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आ गई है, उसमें कुछ भी चीजें फर्जी डाल देना, उसको कोई क्रॉस चेक नहीं करता। जो बातें कभी राहुल गांधी जी ने नहीं कही वो भी उनकी जुबान पर डाल देना। वो अगर फॉरेन जाते हैं अपनी फैमिली से मिलने, अपने परिवार के पास या किसी कार्यक्रम में जाते हैं, सभी कैम्ब्रिज में गए थे, कैम्ब्रिज में बहुत अच्छा बोले, तो इस पर भी इनको ऐतराज। इन्हें पता है कि राहुल गांधी को अगर अंडर कंट्रोल छोड़ दिया जाए, राहुल गांधी को अगर डैमेज नहीं किया जाए तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है ये। और उसी षड्यंत्र कहता है राहुल गांधी के खिलाफ ईडी में केस हुआ है। मैं एक आंकड़ा देकर अपनी बात खत्म करूंगा। अब तक 11,000 इन्वेस्टिगेशन किए ईडी के केसेस, 11,000 केसेस वेर रजिस्टर्ड बाई ईडी इन लास्ट 7-8 ईयर्स। सिर्फ 7 लोग कन्विक्ट हुए, 11,000 केसेस ईडी ने रजिस्टर्ड, जिसको मन में आता है उसे उठाता है। महाराष्ट्र में, मुंबई में देख लीजिए क्या